गर्व से भरा नन्हा बादल प्रकाश को अपने अंदर प्रवेश देते हुए। आकाश विशाल व नीले रंग का है, जहां बहुत से मित्र मिलने आते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे व अनेकों अनेक इंद्रधनुष। एक दिन बादल के कुछ बारीक टुकड़े वहां दिखाई दिए और प्रकाश से भरी सुंदरता में वे मशरूम की तरह शीघ्रता से फैल गए। छोटे छोटे बादल उन बारीक टुकड़ों से जुड़ने के लिए आकाश में तेज गति से दौड़ पड़े और वो घने और घने होते चले गए, सूरज के प्रकाश को अपने अंदर छुपाते हुए, जब तक कि वो चमकने ना लगे। ओह, बादल ने सोचा, मैं अपने स्वयं के प्रकाश द्वारा ही बहुत चमकदार हूं। अपने समुद्र रूपी माँ और सूर्य रूपी पिता को भूलते हुए बादल घना और अधिक घना होता चला गया, जब तक कि वो एक विशाल काली दीवार के समान ना हो गया। हर रोज समुद्र से एक महीन धुंध ऊपर उठती थी और बादल स्वयं को बनाने के लिए उस धुंध को सोख लेते थे, क्योंकि हवाएं उसके टुकड़ों को बार बार उड़ा ले जा रही थी। फिर भी बादल ने सोचा, मैं यहां एक लंबे समय से हूं, मैं हमेशा से यही हूं, मैं हूं और हमेशा से हूं, क्योंकि मैं बादल हूं और बादल मैं हूं। मेरा नाम मैं है, मैं अपना स्वयं का प्रकाश ही हूं, मैं प्रकाशमान हूं और मैं आकाश में उड़ता हूं। लेकिन एक दिन सूर्य ग्रहण लग गया, आकाश में अंधकार छा गया और बादलों में भी। ओह, मैं अत्यंत दुखी था, शायद मेरे पास अपने स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। फिर जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त हुआ, वह बादल फिर से चमकने लगा। ओह, सूर्य मुझसे कितना स्नेह करता है, वह कितना प्रसन्न था। मैं हूं तो तुम्हारे कारण हूं, मैं आकाशीय पुष्प हूं, आकाश का एक उज्ज्वल उपहार हूं और समुद्र व सूर्य का भी।